दोस्तों आज की इस मोटिवेशनल वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको आगे बढ़ने का एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, और वो फार्मूला है कि हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें। दोस्तों शिष्टाचार का मतलब है कि दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाज़ों को भी आसानी से खोल देती है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं है। दोस्तों छोटी छोटी बातें अहमियत रखती है और बड़ा फर्क डालती है। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब होगा नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को। छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। दोस्तों इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, न कि चालाकियां। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार की ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज़्यादा नहीं होता लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। तो शिष्टाचार का मतलब है कि किसी बुजुर्ग को देखकर या अपंग को देखकर उसके बैठने के लिए जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नज़रों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना भी जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटक कर नीच बन जाते हैं। दोस्तों मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते हुए सुना है कि तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। दोस्तों जहाँ भी संभव हो शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठाएंगे। दोस्तों शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है कि अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्म संतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज़्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं मगर ज़्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सके। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर यह उम्र भर साथ रहता है। दोस्तों यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती है लेकिन शुक्रिया मेहरबानी करके और मुझे माफ़ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके इंसान काफ़ी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ी सी लागत लगाने से किसी अकेले आदमी को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। आपने देखा होगा कि जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूद कर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब लोग हंस पड़ते हैं तो वह यह बताता है कि उसने वह चुटकुला कहाँ पढ़ा। दोस्तों इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले ही जाहिर हो मगर यह घटिया व्यवहार है। दोस्तों बहुत से प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टा का बर्ताव करें। दोस्तों एरिक होफर ने कहा था कि कठोरता एक कमज़ोर आदमी की झूठी ताकत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।